हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है, जीएसटी बिल बना रहे हैं तो नीचे सब टोटल या टोटल उन्हें चाहिए और उसी के आधार पर सारी चीजें अप्लाई होनी चाहिए। तो अभी हम सीखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम बाई करते हैं या जो भी बिल बनाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टोटल होके आता है, यानी कि अलग कॉलम एक क्रिएट हो जाता है। हम चाहते हैं उसी में नीचे ही हमें टोटल होके मिल जाए, तो ऐसा कैसे होगा आइए देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन कीजिए। एक छोटा सा बिल लाइक शेप मैं अभी क्रिएट करता हूं। यहां से ये व्यू पे जाना है आपको और यहां पर मैं लिख देता हूं बिल बिलिंग सॉफ्टवेयर, ये लिख दिया हमने, एंटरप्रेस किया। अब यहां पर आ जाएगा, सबसे पहले यहां कस्टमर आईडी आएगी और यहां पर प्रोडक्ट का नेम आएगा, इसकी प्राइस जो भी है वो यहाँ पे दे देता हूँ मैं, तो ये प्राइस हो जाएगी और इसको हम करेंसी डेटा टाइप रख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूनिट कर लेंगे और यहाँ पे यूनिट जो है नंबर डेटा टाइप रख लेते हैं। अगर आप पॉइंट में यूनिट देना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डबल बना लें। इसके बाद यहाँ पे अब टोटल हमको करना है, तो हम यहाँ पे अभी टोटल यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि टोटल अलग कॉलम में ना करके कैसे आए, उसी के नीचे हमारा टोटल होके आ जाए। तो ये कैसे होगा ये देख लेते हैं। यहाँ से हम अभी व्यू पे क्लिक करते हैं और ये आ जाते हैं हम, तो यहाँ इस तरीके से आ गया है। अब फॉर्चून रिफाइंड ये लिख दिया हमने और इसके बाद यहाँ पे प्राइस दे देंगे। जैसे मान लीजिए 240 रुपये प्राइस है तो यहाँ 240 रुपये हमने दे दिया और यूनिट जो भी हो आप यहाँ पे दे दीजिए, 7 यूनिट, यानी कि 1 लीटर की 7 यूनिट हम परचेस कर रहे हैं या बेच रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कस्टमर आईडी 4 है और ये जो है सफोला ये हमने कर दिया और यहाँ पर अब आपको आना है। अब जो भी इसकी कॉस्ट है वो यहाँ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए सफोला रिफाइंड ऑयल की कॉस्ट है 256 रुपये, तो वो चीज यहाँ पे आ जाएगी और इसकी 7 यूनिट खरीद रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5, अब जो भी कस्टमर आईडी है 5 वो क्या परचेस कर रहे हैं, ये परचेस कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अभी इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ मैं और 120 रुपये का ये मिल रहा है और इन्होंने 12 परचेस करी है। यहाँ पे फिर छठे पे आ जाते हैं कस्टमर आईडी 6 और ये है यहाँ पे प्रोडक्ट जो है हम रख देते हैं सोया बीन ऑयल, ठीक है। और यहाँ पे कीमत रख देते हैं 80 रुपये किलो और ऐसे इन्होंने 30 लीटर खरीदा है, तो ये इस तरह से हम इसका रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया है और ये 4 रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं। आपके पास जितने भी रिकॉर्ड हो आप ले सकते हैं बहुत ही इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोर फॉर्म्स पे, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, फॉर्म विजार्ड पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो फॉर्म विजार्ड दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए आप और जो भी आपका है वो सब ले लीजिए ये रिकॉर्ड्स। और यहाँ पर डेटा हम टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में लेके आएंगे, तो यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में हम डेटा को ले लेते हैं। यहाँ पे जो भी डिजाइन आपको ठीक लगता हो वो ले लीजिए यहाँ से और यहाँ से ओके प्रेस कर दीजिए, तो ये इस तरीके से हमारे पास शो होगा। अब हम क्या चाहते हैं, इसको हम आ जाते हैं सीधा डिजाइन व्यू में। अब डिजाइन व्यू में यहाँ फुटर दिख रहा है आपको, यहाँ से नीचे इसको कर लीजिए, यहाँ पर हमें वो चीजें क्रिएट करानी है। अच्छा, यहाँ पर इसको हम क्लोज कर रहे हैं अभी, यहाँ से इसको थोड़ा विथ भी बढ़ा रहा हूँ और इसको थोड़ा नीचे भी कर रहा हूँ ताकि सारी चीजें एडजस्ट हो जाए, सही से सेटिंग हो जाए हमारी। यहाँ पे रखा हमने और इसको थोड़ा सा हमने, ठीक है, इस तरह से हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि नीचे टोटल होके आए, ये जो प्राइस है ना इसी के ठीक नीचे इन दोनों का टोटल, यानी कि प्राइस जो भी है उसके हिसाब से यूनिट जितना भी खरीदा उसके हिसाब से टोटल हमें होके मिल जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए, कॉम्बो बॉक्स वाले ये जो सेक्शन है डिजाइन, यहाँ पे क्लिक करना है आपको और आपको बनाना है टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप और इसको ड्रैग करवा दीजिए नीचे। ये ड्रैग करवाया, जहां पर भी चाहिए इसको ड्रैग करवा दिया हमने, इसको थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। और इसके बाद हमें कहाँ जाना है, प्रॉपर्टी शीट पे जाना है।
ध्यान रहे कि आप सिलेक्शन में इसको रखिए, ये अनबाउंड टेक्स्ट बॉक्स जो है इसको सिलेक्शन में रखिए, प्रॉपर्टी शीट पे चलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी शीट पे जाने के बाद क्या करना है हमें, हमें यहाँ पे ऑल पे आना है और यहां पर आपको दिखेगा कंट्रोल सोर्स, यहां पर आप क्लिक कर दें, फिर यहां ये तीन डॉट्स जो दिख रही हैं यहां पर आप क्लिक करें। यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्सप्रेशन बिल्डर ऑन हो जाएगा, यहां पर इक्वल्स टू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सम लिखना है, यहां पे सम लिख दिया, इक्वल्स टू सम लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहां पर हमें किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, प्राइस इनटू, अब क्या करना है, यूनिट, यही करना है। तो यहां पे प्राइस और यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर इन सब का टोटल कैलकुलेट होकर हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से आप इसको ओके प्रेस कीजिए, ये देखिए ये ओके प्रेस किया हमने। आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं यहां पे, ये अदर में आकर के, और इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, फिलहाल मैं छोड़ देता हूं। और अब हमें क्या करना है, यहाँ सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक किया हमने तो ये देख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स आया हुआ है और ये जो प्राइस है, ठीक है, अब ये प्राइस का जो टोटल है ये आ गया है, यानी कि कुल मिलाकर के कितना अमाउंट जो है यहाँ पे बिल बना है वो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। देखिए 7312 रुपए आ रहा है। मैं आपको इसको कैलकुलेट करके दिखा सकता हूँ, ये देखिए मैम, ये देखिए यहाँ पर 240 रुपए के हिसाब से 7 यूनिट, तो 240 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया 1680 रुपए, ठीक है। अब फिर सेकंड जो है वो 256 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो उसको भी कर लेते हैं, आपको ध्यान रहे, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आ गया 1792 रुपए। फिर यहाँ पर एक और हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए फिर है हमारा मिसवाक टूथपेस्ट है 120 रुपए का, 12 पीस हमने खरीदा है, ठीक है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 120 into 12, तो ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1440 रुपए आ गया, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, सोयाबीन ऑयल है 80 रुपए के हिसाब से 30 किलो सोयाबीन ऑयल खरीदा गया है, तो 80 into 30, यहाँ पे 30 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये इन सब को हमें टोटल करना है, तो चलिए इज इक्वल टू सम कर लेते हैं, देखते हैं हमारा ये कैलकुलेशन सही होके आया है नहीं। ये ले लिया प्लस, ये ले लिया प्लस, ये ले लिया प्लस, और एट लास्ट इसको भी ले लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो 7312 रुपए आ रहा है। यहाँ पे कितना आया हुआ है, 7312 रुपए। तो यानी कि आप नीचे भी कैलकुलेट करके दे सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और इसके लिए जो कि जीएसटी बिल हमने बनाया था, हमें याद है राजस्थान से हैं ये विकास जी, तो हम इस पर आगे भी काम करेंगे और उम्मीद करता हूं कि इस तरह काम करने से नीचे भी आप कैलकुलेशन करके और जो भी आपका टोटल आएगा या सब टोटल आएगा वो नीचे भी आप कैलकुलेट करके दे सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।